क्या हुआ जब 25 अप्रैल 2023 को केदारनाथ के कपाट खोले गए और अंदर का नज़ारा देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र यूट्यूब चैनल। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव। इस घटना की शुरुआत होती है नमन शर्मा नाम के एक विद्यार्थी से। सन 2022 में उसके सभी दोस्त बाबा केदारनाथ धाम जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन नमन एक कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। उसने बाबा केदारनाथ से ये मन्नत मांगी कि अगर इस साल मैं कंपटीशन एग्ज़ाम में पास हो जाता हूँ तो अगले साल 2023 के पहले ही दिन में आपके दर्शन करने के लिए अवश्य आऊँगा। और बाबा केदारनाथ का चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि सन 2022 के एक रेलवे एग्ज़ाम में नमन का सिलेक्शन हो गया, जिसके बाद वो जय श्री केदारनाथ के जयकारे लगाने लगा। लेकिन अब बारी थी उसकी मन्नत को पूरे करने की, जिसके लिए वो अप्रैल 2023 का इंतज़ार कर रहा था। वे केदारनाथ की शाही सवारी में सम्मिलित होना चाहता था कि 20 अप्रैल को केदारनाथ के ओंकारेश्वर मंदिर से शुरू होती है और 24 अप्रैल को पुनः केदारनाथ धाम आती है, जिसके बाद नमन देहरादून से गंगोत्री और गंगोत्री से यमुनोत्री के दर्शन करके केदारनाथ के ओंकारेश्वर मंदिर 20 अप्रैल को पहुंच गया, जहां पर भैरवनाथ की पूजा के साथ शाही सवारी की शुरुआत हो गई। और इसी रात को शाही सवारी ने गुप्त काशी के विश्वनाथ मंदिर में विश्राम किया। 22 अप्रैल को सभी लोग फाटा पहुंचे, 23 अप्रैल को गौरीकुंड और आखिरकार 24 अप्रैल के दिन बाबा केदारनाथ की वो शाही सवारी केदारनाथ धाम पहुंच गई। अब नमन को इंतज़ार था कि मात्र 24 घंटे का, क्योंकि 25 अप्रैल सुबह 6:20 पर बाबा केदारनाथ के कपाट खोलने वाले थे, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था बाबा केदारनाथ उसके साथ आज एक ऐसी लीला रचने वाले थे जो हमेशा के लिए उसके लिए एक यादगार घटना बन जाएगी। अब 24 घंटे बीत चुके थे, नमन ने अपनी मन्नत पूरी की थी कि वो पहले ही दिन पट खोलने के साथ साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन करेगा। वो कतार में सबसे पहले खड़ा हुआ था और सुबह 6:20 पर जब बाबा केदारनाथ भगवान के कपाट खोले गए तो अंदर का नज़ारा काफ़ी चौंकाने वाला था। रमन ने देखा कि 6 माह हो जाने के बाद भी कि मंदिर अंदर पूरी तरह से साफ सुथरा था और शिवलिंग के समक्ष एक चमत्कारी रूप से दीपक भी जल रहा था, और तभी उस दीपक के ऊपर उसे एक शेषनाग की आकृति दिखाई दी जो मानो स्वयं भगवान केदारनाथ की आराधना कर रहे थे। लेकिन वो आकृति पल भर में ही ओझल हो गई। ऐसा कहते हैं जब नवंबर में 6 माह के लिए केदारनाथ के कपाट बंद किए जाते हैं तब एक दीपक वहां पर जलाकर छोड़ दिया जाता है, और जब 6 माह के पश्चात पुनः केदारनाथ के कपाट खोले जाते हैं तो ये दीपक जलता ही रहता है। कहते हैं जब केदारनाथ का मंदिर बंद रहता है तब स्वयं देवतागण महादेव की पूजा करते हैं और इस दीपक को जलाए रखते हैं, लेकिन नमन ने जो चमत्कार महसूस किया वो वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वहाँ खड़े हुए चंद लोगों को ही ये चमत्कार महसूस हुआ था, जिसे देखकर सभी धन्य धन्य हो गए। तो दोस्तों, क्या आप कभी केदारनाथ धाम गए हैं या इस साल जाने वाले हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।